नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल आपको बहुत सारी खुशियां मिले और आपको मनचाही सफलता मिले। आपकी और आपकी सफलता के बीच जो भी अड़चने हो वो सब दूर हो जाए। चाहे वो अड़चन आपका आलस ही क्यों ना हो, क्योंकि आलस एक ऐसी समस्या है जिससे कोई भी इंसान अछूता नहीं है। आलस एक ऐसा पत्थर है जो हमारी सफलता को बार बार रोकता है। इसीलिए हमें इस पत्थर को हटाकर आगे बढ़ना है, और इसके लिए चाहिए हमें साहस और हौसला, क्योंकि ये दोनों आलस को भगाकर दूर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आलस के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसका निवारण कैसे किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन कौशिक, स्वागत करती हूं आपका मैजिकल स्टडीज पर। आलस का पहला और अहम कारण हम टेक्नोलॉजी को मान सकते हैं। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में काम करना इतना आसान हो गया है कि हम अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटी जो हम पहले किया करते थे, शारीरिक श्रम जो किया करते थे, वो करना हम बिल्कुल भूल गए हैं। काम करना इतना आसान सा हमें लगता है, कोई भी मशीन चलाकर हम अपना काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तकनीकी युग में जीना बहुत अच्छी बात है, पर हम इस सिक्के के दूसरे पहलू को नकार नहीं सकते जो हमारे शरीर को आलसी बनाता जा रहा है और हम बिल्कुल गुलाम बनते जा रहे हैं। आलस के दूसरा जो अहम कारण है वो नींद भी हो सकती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तब हम थकान महसूस करने लगते हैं और अपने कामों को कल पर टालने लगते हैं, और इस तरह से हमारे बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम बहुत सारे कामों को देखते हैं तब हमें आलस आने लगता है और हम बहाने बनाने लगते हैं और हम उसी को अपना व्यवहार समझने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम आलस के शिकार हो चुके हैं। आलस का अहम कारण भोजन भी हो सकता है। जब हम ज्यादा भोजन करते हैं या भोजन गलत समय पर करते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में आलस बढ़ जाता है। नेगेटिव थिंकिंग या डर आलस के बहुत अच्छे दोस्त है। जब हम लगातार नेगेटिव सोचते रहते हैं और उस चीज से डरने लग जाते हैं कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, तो हम उस काम को करने की कोशिश भी नहीं करते और आलस में भरे रहते हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग लगातार करते रहना, किसी चीज से डरते रहना, साहस या हौसला ना दिखाना भी एक आलस का बहुत बड़ा कारण है। निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, जब हम डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, निराश होते हैं, तब हमारा मन जो होता है किसी काम को करने में नहीं लगता। तो उससे भी हम ये कह सकते हैं कि वो भी एक अहम कारण होता है, निराशा में बैठे रहना। हम अपना सारा समय निराश बैठे बैठे सारा समय खराब कर देते हैं। अब एक हद तक आलस आना आरामदायक लगता है क्योंकि इससे हम काम करने से बचने लगते हैं, पर अगर ये लगातार होता रहे तो हमें घबराहट और बेचैनी होने लगती है। इसीलिए सबसे पहले ये पहचाने कि क्या आप आलस के शिकार तो नहीं। अगर हाँ तो उसके कारण को पहचाने, क्योंकि बिना कारण के जाने इलाज संभव नहीं। और छोटे छोटे से उपाय करें, जैसे अपनी पूरी नींद लें। जब आप पूरी नींद लेते हैं तब आप अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करते हैं, ऊर्जावान रहते हैं और अपने कामों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाते हैं। आप हल्का भोजन करें, ज्यादा मीठा, ज्यादा ऑयली या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन ना करें, क्योंकि इससे शरीर का आलस बढ़ जाता है। थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करें। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तब आप अपने अंदर चुस्ती फुर्ती महसूस करते हैं। आप काम से होने वाले फायदे को पहचानें। जो भी आपका फायदा जो होता है काम करने से, वो आपको प्रेरित करता रहता है और आप एक्टिव रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, और एक उत्साहित व्यक्ति तो आसमान भी छू सकता है। आप बड़े बड़े कामों को इंस्टॉलमेंट्स में करें। जब आप बड़े काम को देखते हैं तो हम डरने लगते हैं, आलस करने लगते हैं, तो इसके लिए आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और जब आप काम को करते हैं उसके बीच में रेस्ट भी जरूर करें। उससे भी आप अपने बड़े काम को चुटकियों में पूरा कर पाएंगे। कई बार हम बहुत सारे काम एक साथ शुरू कर देते हैं, उससे भी हमें आलस आने लगता है। इसीलिए सबसे पहले अपने कामों को प्रायोरिटी दें, उसी हिसाब से काम को कंप्लीट करें। जो आपका इम्पोर्टेंट काम हो उसको पहले करें। एक टाइम में एक या ज्यादा से ज्यादा दो कामों को शुरू करें, तभी आप अपने कामों को पूरा कर पाएंगे। एक अच्छी प्लानिंग भी आलस के छक्के छुड़ा सकती है, इसलिए अपने काम के लिए पहले अच्छी सी प्लानिंग करें, कुछ नया करें। लगातार एक जैसा काम करते रहने से हम बोर हो जाते हैं। जैसे लगातार दाल चावल खाने से हमें खाने में दिलचस्पी कम हो जाती है, पर अगर हम वही चावल
पुलाव बनाकर खाएं या बिरयानी बनाकर खाया जाए या चावल का कोई भी नया वर्जन ट्राई किया जाए तो उससे हमारे खाने की दिलचस्पी बढ़ सकती है। इसी तरह से जब आप अपने काम को नए ढंग से करेंगे, नए तरीके से करेंगे, तब आप बोर नहीं होंगे और आपकी दिलचस्पी उस काम में बनी रहेगी। या बीच बीच में कोई नए काम भी कर सकते हैं ताकि आप अच्छा फील करें। कभी कभी आलस का आना स्वाभाविक होता है, किसी बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है या शरीर को जब आराम चाहिए होता है उससे भी ऐसा होता है। पर अगर ये आदत लगातार बनी रहे तो इसके लिए हमें उपाय करने चाहिए। आप छोटी छोटी होम रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे 2 लौंग या 2 ग्रीन इलायची लें, उनको चबाएं और उनको जब तक चबाते रहें जब तक आपके मुंह में लार ना बनने लगे। आप कोई ऐसा प्रोग्राम देखें जो आपको खुशी देता हो, उससे भी आप फ्रेश फील करेंगे। या आप चलना शुरू कर दें, जैसे ही आपको आलस आए आप चलना भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप चाय पीना पसंद करते हैं तो ब्लैक टी या ग्रीन टी ले सकते हैं। इस वीडियो का यही अंत करते हुए आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।